नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने बयान दिया। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि पहाड़ों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते हुए संक्रमण की वजह यह है कि लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे और जिन घरों में भी शादियां हो रही हैं वहां पर लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ के इलाकों में संक्रमण काफी ज्यादा फैल रहा है। क्यों पहाड़ में एकमात्र यह था कि शादी ब्याह के कारण, शादी ब्याह में लोगों ने उसको मास्क न लगा के ज़्यादा जहाँ पर उसको जो था 25 की संख्या देने था वहाँ पर 50 तक पहुँच रहे थे, उस कारण से पहाड़ में जो गांव तक जो था कोविड की संख्या ज्यादा। हल्द्वानी में 4 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन लोगों में भ्रम और जागरूकता की कमी होने के चलते वैक्सीनेशन सेंटर पर कम ही लोग पहुंच रहे हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा है कि वनभूलपुरा क्षेत्र पिछड़ा होने के चलते यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां लोगों को वैक्सीनेशन के संबंध में भ्रम फैला रही हैं, जिसके चलते लोग वैक्सीन लगवाने से भी डर रहे हैं। देखो, बहुत अच्छा प्रयास हमारे द्वारा, हम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया जा रहा है। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि जनवरी के माह में भी हम लोगों ने यहाँ अपना वैक्सीनेशन साइट लगाया था, जो इसी के पीछे यूपीएससी वनफूलपुरा है, और हम पूरा प्रशासन के साथ हम घर घर भी गए थे, लोगों को हमने काफ़ी जागरूक भी करा, लेकिन हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज स्वतः माननीय अध्यक्ष जी महोदय के द्वारा आया कि हम लोगों के वहाँ पे आप वैक्सीनेशन साइट लगाएं, तो बहुत अच्छी पहल उनके द्वारा भी की गई। और तो पूरे इस क्षेत्र में, राजपुर और वनफूलपुरा क्षेत्र में, हमने कुल मिला के 4 सेशन साइट्स लगाए हैं, GIC इंदिरा नगर, GGIC वनफूलपुरा, GIC राजपुरा और लक्ष्मी शिशु मंदिर। वहीं हल्द्वानी में एक अस्पताल को एक युवा विधायक के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद मिली है। विधायक ने बताया है कि सिंगापुर में रहने वाले लोगों से कोविड मरीजों की सहायता करने के लिए निवेदन किया गया था, जिसके बाद में सिंगापुर उर्वशी सहाय और लो चेंग चुआन के द्वारा उनको CSR फंड के जरिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ में 200 ऑक्सीमीटर भेजे गए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेहद हाई क्वालिटी के हैं और जो कि कोविड के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन देने में मददगार साबित होंगे। के स्तर पर जो प्रयासों की आवश्यकता है वो अपनी तरफ से चल रहा है, लेकिन हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं आज भाई सौरभ जी का भी और जितने भी हमारे साथी सहयोगी जो CSR के माध्यम से लगातार हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम सबको विदित है कि नैनीताल में हमारे प्रिय मित्र आशुतोष जोशी जी के द्वारा BD पांडे नैनीताल को 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए गए CSR में, और उसको हमने पूरे ही सिर्फ नैनीताल में ही नहीं, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा नैनीताल बैंक के द्वारा हमको 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए गए। इस कोविड महामारी में आपको मालूम है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कोविड के केसेज हुए थे, और हमने उस वक्त फैसला किया था कि हम CSR फंडिंग से उत्तराखंड के अपने CHC सितारगंज के CHC PHC, हमने मुक्तेश्वर के हॉस्पिटल, आज हम सुशीला तिवारी और शाम को हम रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दे रहे हैं। ये 10 लीटर की मशीन है, डुअल फ्लो, जो कि सीरियस कोविड पेशेंट्स के ऊपर यूज़ की जाती है। इसकी लागत एक मशीन की 1,35,000 रुपये है, और उसके साथ हमने 8 मशीनें यहाँ पर दी हैं और 200 ऑक्सीमीटर्स यहाँ पर हमने। चमोली में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोग वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के साथ में ही अपने एक्सपीरियंसेस को भी साझा कर रहे हैं। भाजपा के जिला मंत्री दिलीप सिंह नेगी ने कहा है कि हालांकि देश में वैक्सीन की कमी है, लेकिन इसकी उपलब्धता के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्पादन के अनुरूप लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। सभी लोगों को संयम रखने की जरूरत है, संकट काल में एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी है। हालांकि वैक्सीन की कमी है, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग का जो वैक्सीन है वो काफ़ी संख्या में यहाँ चाहिए, और इसके लिए सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। उत्पादन भी उस अनुसार जो है कम हो रहा है, तो राज्य सरकार जो है लगातार केंद्र के संपर्क में है, और जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो रही है उसको उपलब्ध केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। टीवी के लिए मैं सुरेंद्र चंद्रा चमोली से, हम इस समय पंडरघाट के विकास का नानवाड़ के शिशु मंदिर में हैं और यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। 12 मई से जो ये कार्यक्रम यहाँ पे जनपद के 13 विकास खंडों में शुरू हो गया था, आज यहाँ पे लगातार जो 12 मई से जो
टीकाकरण लोगों का हो रहा बहुत ही आबाद गति से चल रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं युवा हैं जो बुजुर्ग हैं और 18 प्लस का भी जो टीकाकरण है शुरू हो गया, तो युवाओं से हमारी बातचीत हुई वो काफ़ी खुश हैं कि उनका उनका टीका लग चुका है। और हम लोगों से भी अपेक्षा करेंगे प्राइम टीवी की तरफ से हम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे जो कोरोना महामारी के बचाव को लेकर के दृष्टिगत मास्क का उपयोग करें, जो सरकारी गाइडलाइंस है उनका भी अनुपालन करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी आप पालन करते हुए आप कोरोना की महामारी से खुद को बचाएंगे, अपने परिवार को, देश और राज्य और ग्राम गाँव को बचाएंगे। देहरादून में ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने 6 जरूरतमंद परिवारों को 1 महीने का राशन वितरित किया है। राशन मिलने के बाद में 6 परिवारों ने सेवादारों को धन्यवाद किया है। सेवादारों ने बताया है कि कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया है और इसी वजह से लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर संकट बनाया है। सेवादारों का कहना है कि आगे भी गरीब और जरूरतमंद लोगों की ऐसे ही मदद की जाती रहेगी। तेरा ही आसरा, हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी हैं। उनकी आज्ञा से उन्होंने 134 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं। अभी फिलहाल जो उन्होंने कार्य बताया हमें, कोरोना वायरस जो भी हैं उन सबको फ्रूट और नींबू पानी वितरित करना है। वो हम डॉक्टर्स, नर्स, वहाँ के सफाई कर्मचारी, जितना भी पुलिस स्टाफ चौक पर खड़ा होता है उन सबको हम फ्रूट और ये नींबू पानी दे रहे। सरदारगंज क्षेत्र के ग्राम मलपुरी के किसानों ने उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र के ज्ञापन सौंपकर उन्हें नाले को खुलवाने की मांग की है। किसानों ने ज्ञापन में कहा है कि मलपुरी ग्राम में अवैध रूप से नाले का अतिक्रमण किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि नाले से अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। एसडीएम साहब के पास कि हमारे मलपुरी गांव में राइस मिलर द्वारा उसमें चीन की एक दीवार बना दी गई, चाय टीम उन्होंने इतनी बना दी कि हमारे 8 फीट पानी मलपुरी का वहां एकदम रोक दिया गया और अपसरा नाले पर पूर्ण अतिक्रमण कर दिया, जिसके कारण मलपुरी डूब क्षेत्र में है और यदि अचानक पानी जाता है तो नीचे के गांव भी उनकी फसल सारी की सारी खराब होगी, यानी 100 हेक्टेयर जमीन और डूब के क्षेत्र में आएगी यदि अचानक पानी जब टूटेगा वहां से। और इसके लिए हमारे एसडीएम महोदय इस पर कार्रवाई करें, अभी तक कुछ दिन पहले भी आए थे। तो वही योग गुरु बाबा रामदेव लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। बाबा रामदेव का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कोरोना की दूसरी लहर पर बयान दे रहे हैं। बाबा ने इस वीडियो पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है और आक्रोशित लोग काफी समय से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रामदेव ने बच्चों के बीमार होने पर यह कहा कि अगर माँ बाप बच्चे को स्वस्थ ना बनाए तो उन्हें भी दंड दिया जाए। कोरोना महामारी से लोगों को लड़ने के लिए सरकार का सहयोग मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से बातचीत की। महिंद्रा कंपनी के द्वारा डीएम को 3 एम्बुलेंस भी सौंपी गई हैं। जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि 2 एम्बुलेंसेस सीएमओ हरिद्वार के नाम पर रजिस्टर्ड होंगी जबकि 1 अन्य सीएमओ नैनीताल के नाम पर रजिस्टर्ड होगी। की ओर से आज हमारे पास वैसे 2 एम्बुलेंसेस फॉर हरिद्वार एंड 1 एम्बुलेंस फॉर नैनीताल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ये केवल कोविड काल के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए जो है ये बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। हमारे जनपद जो है वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जनपद है, तो इसमें मल्टीपल जो इलाके हैं ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एम्बुलेंस का आवश्यकता निरंतर रहता है, तो इस दृष्टि से देखा जाए ये बहुत बड़ा राहत है और बहुत बड़ा। हरिद्वार महाकुंभ 2021 में शासन एवं प्रशासन की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं, साधु संतों के लिए जो तैयारियां की गई थी और महाकुंभ के बाद में कई अन्य क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण के लिए जो डस्टबिन लगाए गए थे, नगर निगम ने कूड़ा लाकर इकट्ठा कर दिया। उप मेला अधिकारी अंशुल सिंह का कहना है कि जो डस्टबिन नगर निगम के प्रांगण में पड़े हैं ये डस्टबिन महाकुंभ के दौरान उन क्षेत्रों में लगाए गए थे और क्षेत्र में अखाड़ों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। जी डेफिनेटली, जो आप देखेंगे जितने भी हमारे ये डस्टबिन्स थे वो काफ़ी ऐसी जगह लगाए गए थे जहाँ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। बैरागी कैंप था, गौरी शंकर था, यहाँ टेम्प्रेरी कैंप्स लगे थे। कुछ हमारे अखाड़ों के लगे थे, कुछ हमारी खुद जो ऑर्गेनाइजेशंस आ रखी थी, चाहे पुलिस की हो या दूसरे विभागों की हो, उनके लिए डस्टबिन थे। उस एरिया से उनको निकालना ज़रूरी था क्योंकि वो जो एरिया है दैट इज़ इनहैबिटेड एरिया। अब उनको निकाल के हम उसे मेन सिटी में जो हमारा जहाँ फुटफॉल रहता है।
हरिद्वार में बाबा रामदेव के खिलाफ यूथ कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। बहादुराबाद पुलिस ने कोविड 19 कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में यूथ के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी, हिमांशु बहुगुणा समेत 7 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कल कांग्रेस मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा थाना बहादुराबाद के क्षेत्र में आयोजित किया गया। पहले उनका अवगत करा दिया गया कि अभी लॉकडाउन का जो गाइडलाइन चल रहा है उसका अंदर का जो कोई पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन नहीं होगा, उसी इसका बावजूद भी उन्होंने अपने कार्यक्रम कराया तो उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अधिनियम और IPC द्वारा उन्हें। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ में कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन मंदिर में रोजाना पूजा पाठ करवाया जा रहा है। पुरोहितों के द्वारा लगातार प्रार्थना की जा रही है। जो पुजारी हैं उनका कहना है कि प्रार्थना की जा रही है, उम्मीद है कि जल्द ही संकट दूर हो जाएगा। लक्सर में सड़कों पर ओवरलोड वाहनों से जनता काफी परेशान है। इन ओवरलोड वाहनों के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है और कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। इस परेशानी से जूझ रहे लोगों ने कई बार प्रदर्शन भी किया है, धरना भी दिया है। मामले पर SDM का कहना है कि सड़क पर दौड़ रहे वाहनों को पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कुल 10 वाहनों को पकड़कर सील कर दिया गया है। ओवरलोड वाहनों पर इतनी बड़ी कार्रवाई से ओवरलोड वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आज जो है अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तहसील से देहरादून के विजय कॉलोनी क्षेत्र में, जहां पर जनता पहले ही कोरोना वायरस से परेशान थी, अब डेंगू के प्रकोप ने भी क्षेत्र में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि क्षेत्रवासियों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। लोगों का कहना है कि कोरोना काल में एक भी जनप्रतिनिधि क्षेत्रवासियों की सुध लेने के लिए नहीं आया और न ही किसी प्रकार की मदद की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से क्षेत्र में खुला नाला बह रहा है और वहां पर गंदगी का अंबार है, लेकिन ना तो क्षेत्रीय सभासद सुनने के लिए आए और न ही नगर निगम द्वारा वहां पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। इसी पर मसूरी विधायक ने प्रत्याशी हैं पंडित मनीषा गौनियाल, उन्होंने मेयर को एक पत्र सौंपा है और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कहा है। चाहे वो गंदगी की समस्या हो, चाहे नगर निगम की कोई भी समस्या हो, कोई भी जनप्रतिनिधि जो है समस्या लेके आता है तो उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। इसी तरीके से समाज सेवी हमारे मनीष जी अपने कुछ क्षेत्र की समस्याओं लेके आए हैं, चाहे वो सफाई की समस्या हो, चाहे वो सैनिटाइजर की समस्या। हमारी प्राथमिकता है कि देहरादून में जो है पूरे शहर को सैनिटाइज करना है जहां गंदगी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज मसूरी पहुंचे हैं, जहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राशन वितरित किया है। इस अवसर पर प्रीतम सिंह ने कहा है कि इस कोरोना काल में ये लोग वास्तव में कोरोना योद्धा हैं, जिन्हें वेतन नहीं मिल पाया उनकी मदद की जा रही है। इसी के साथ में उन्होंने बाबा रामदेव के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी है। देश और प्रदेश में चुप करवा, कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और इन विषम परिस्थितियों मैं कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथियों ने अपनी जान हथेली पर रख करके कोरोना की इस महामारी में आम जन के साथ खड़े होने का काम किया। आज मसूरी में भी आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ती हैं और जो हमारी आशाएं हैं उनको जो है खाद्यान्न। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते BJP युवा मोर्चा की टीम ने पूरे प्रदेश में रक्तदान अभियान चलाया है। रक्तदान शिविर में 50 से ऊपर युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस शिविर में युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी शामिल हुए। विधायक का कहना है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। आगे बढ़ी, लेकिन अब उसमें कहीं ना कहीं विराम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद हमारे जो युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर में ये रक्तदान का काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर
तरह से हम लोग किस प्रकार से जनता की मदद कर सकें, युवा है तो रक्तदान करें, महिला है तो कुछ और काम करें, पार्टी के आप देखते हैं जगह जगह उनके द्वारा जिस प्रकार से राशन किट बांटे जा रहे हैं, मास्क बांटे जा रहे हैं, सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, यानी कि हर तरह से मदद हमारे पार्टी के लोग आज की तारीख में। अगली खबर विकास नगर से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश भर में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया। विकास नगर के डाक पत्थर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, रक्तदान अपने में सबसे बड़ा महादान होता है। इस ब्लड डोनेट कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के बड़े अस्पतालों में खून की कमी ना रहे और कोरोना काल में लोगों को खून की कमी की पूर्ति होती रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है सेवा ही संगठन, तो सेवा ही संगठन अभियान के तहत ब्लड डोनेशन कैंप, निराश्रितों को भोजन पानी राशन इत्यादि का इंतजाम, दवाई का इंतजाम, ये तमाम प्रकार की सेवाएं जो भी मानवीय मदद जिस भी रूप में हो सके, ब्लड डोनेशन तो दुनिया का। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टोरेट अब भारतीय राणा ने कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टोरेट ने मेला अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। भारतीय राणा का कहना है कि गढ़वाल के सभी कोविड अस्पतालों में निरीक्षण किया जा रहा है। अस्पताल में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस अस्पताल में कोविड मरीजों के साथ ही इस अस्पताल में अलग मरीजों को भी देखा जा रहा है। आज गढ़वाल निदेशक की डायरेक्टर डॉक्टर भारती राणा यहाँ आई थी अचानक दौरे पे, तो उन्होंने आज आके पूरा ऑक्सीजन प्लांट का, बाढ़ का, आरटीपीसीआर लैब का और जो हम तीसरी लहर संभावित मान के चल रहे हैं उसकी तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने सभी डॉक्टरों से, डाटा एंट्री ऑपरेटर से सबसे बात की। लालकुआ में पंतनगर के नगला बाईपास स्थित वेलकम रेस्टोरेंट के पीछे नामी हिस्ट्री शीटर बदमाश का खून से लथपथ शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के भारी विरोध के बीच में शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिसकी मृत्यु हो गई है उसको घर पे ला के उन्होंने उसका शव रखा था, तो मौके पे पुलिस आई तो थोड़ा बॉडी देखने में सस्पेक्टेड लग रही है, तो इसलिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है, पंचायत में मौके पे भर लिया गया है। कोरोना महामारी से लोग अभी भी जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बैंगलोर के गाँव में एक देसी शराब की दुकान में चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी की जानकारी मिलते ही दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। दुकान मालिक का कहना है कि शराब की कई पेटियां गायब हैं। सीसीटीवी फुटेज में चोर साफ तौर से देखे जा सकते हैं और दुकान को लाखों का नुकसान हुआ है। चोरी की जो चोरी कर गई उसके ऊपर मतलब सबके आधार पर किसी को वैसे तो कह नहीं सकते जब देखा नहीं, लेकिन कैमरे खुले हुए थे, वीडीआर लगी हुई, कैमरे वाले आने वाले हैं और जहाँ उन्हें चिन्हित किया जाएगा जिसका भी यह काम बताया जाएगा। बाकी ये काम शराबियों का ही और किसी का नहीं है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान करीब 18 पेटी पोवागी और 6 हाफ की और 6 बोतलों की पेटी थी। और कुछ क्या उठाएगा? और एक इन्वर्टर तो छोड़ दिया लेकिन। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।